हेलो एवरीवन, सबको अ वेरी 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 हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। जब ये व्लॉग जाएगा तो मकर संक्रांति वाला दिन होगा। तो आज मैं सुबह 7:30 बजे उठ गई थी। मैं इतनी जल्दी उठती नहीं, मैं हमेशा 9, 9:30 बजे उठती हूँ। तो आज मेरे लिए 7:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी, क्योंकि कल हम लोग 10 बजे सो गए थे। तो अभी मैं उठी हूँ, राजा को मैंने खाना दिया है, और खाने में हम लोगों ने पता क्या खाया है, घी वाली, मतलब नाश्ते में क्या खाया है बता रहा हूँ, घी वाली ब्रेड होती है ना, सेक के खाते हैं, जो घी लगा के हल्का सा नमक लगा के और चाय से आए है, तो वो खाया। और उसके बाद फिर राजा गए हैं, और फिर मैंने फ़ैन वगैरह पूरे रूमों के साफ करे, और अब मैं जाऊंगी लंच बनाने। और मैंने आज ना ये सूट पहना है, ये जो सूट है ना, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, और फर्स्ट टाइम मैंने प्लाजो पहना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अमेज़ॉन से मंगवाया है, साइज़ जो है इसका XL है, मैंने थोड़ा बड़ा ही साइज़ का मंगवाया है। तो चलिए चलते हैं किचन में, और खाना जो है वो चढ़ा रही हूँ मैं। ये ना मैंने चने की दाल है, इसे भिगोए 1 घंटा हो गया। मुझे चने की दाल खाने का मन कर रहा था, पर चने की दाल का कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो वैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि अभी गैस बहुत गंदी है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो गैस है ना, ये तीन जो है ये साफ है एकदम, ये ठीक है, एकदम साफ है। देखिए इसमें रोशनी आ रही है, क्या आ रही है, रुकिए एडवाइस भी देती हूँ, ठीक है। अगर आप गैस खरीदने वाले हैं तो ये चूल्हा साफ है, ये चूल्हा साफ है, ये चूल्हा साफ है, ये वाला चूल्हा जो है ना ये साफ नहीं होता। और जिस दिन मैं इसे लेके आई थी, ये बिग बाजार से ली थी मैंने 4,500 या 5,000 की, तो जिस दिन मैं इसे लेके आई थी उसी दिन से इसने इसे काला करना शुरू कर दिया था। तो ये इस साइड से बहुत काली है, क्योंकि इसका जो बर्नर है, जब भी आप गैस लेके आ रहे हो न्यू, तो याद रखिएगा जो बर्नर है ना वो स्ट्रेट होना चाहिए। जो बर्नर है ना इससे चिपका हुआ है ये ऐसे, तो ये फ्लेम यहाँ जाती है, और इसने आते ही इसे काला कर दिया था। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ना, ये साफ नहीं होता है, तो ये वाला बर्नर है। तो मैं ना सोच रही थी कि मैं नेल पेंट चेंज करती हूँ, तो पता नहीं यार मैंने ये मंगवाया था, मेरे पास इसी कलर की एक नेल पेंट है। तो ये ना नेल ट्रेंड की है, रिलायंस फ्रेश के स्टोर से मैंने ली है। तो जो पर्पल वाला शेड है ये है नेल ट्रेंड, वहीं पे मिलेगी। शेड नंबर वो तो खराटे इतने नहीं मारते हैं, शेड नंबर 002 लाइलैक लव। और जो मैं भी लगाने वाली हूँ, ये पिस्ता ही कलर अच्छा लगेगा ना, तो ये है शेड नंबर 01, और ये पिस्ता ही कलर है। और मैं और दो कलर लेके आई थी, मुझे ना ये वाले कलर अच्छे लग रहे थे, तो एक मैं ये लेके आई थी शेड नंबर 006 न्यूड बैलेंस, ये न्यूड कलर है, बहुत प्यारा लगता है। और एक फिर मैं पिंक लेके आई थी, ये है 005। आज मैं सोच रही थी कि पिस्ता लगाती हूँ, तो ये मेरा नेल पेंट रिमूवर है, ये एलिटीन का ना वो है नेल पेंट रिमूवर है, और ये पैड्स हैं। तो ये पैड्स, मुझे लगता है कि ये पैड्स ना वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, इनमें से ना रिमूवर हट जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ना रिमूवर डाल रही हूँ।
यह चने की दाल एकदम अच्छे से गल गई है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी आया है, भूख लग रही है पता है। ये है खीरा, ये है अचार और ये है चावल, गर्मा गर्म है और ठंड में पता है बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को लगा कि मैं ना छाछ ले लेती हूँ, पर मेरे को लगा यार नहीं लेती हूँ, पहले यही इन्जॉय करती हूँ, मन करेगा तो छाछ ले लूँगी मैं, पर अभी छाछ नहीं ले रही हूँ मैं। तो अभी जो टाइम है वो हो रहा है 2:30, तो 2:30 बजे हो जाएगा मेरा लंच। उसके बाद ना मैं 2-3 घंटे करीबन सोऊंगी, 2 घंटे कम से कम, क्योंकि मुझे नींद की बहुत ज़रूरत होती है। नींद हो जाती है ना मेरी तो मैं काफ़ी फ्रेश रहती हूँ, सुबह भी उठ जाती हूँ और काम करने में भी एक्टिव रहती हूँ। फिर मैं 5 बजे तक रात ही खाने की तैयारी करूँगी, तो पहले अब मैं खा रही हूँ, भूख लग रही है यार। चुम्मा खाना बना है, मतलब बहुत अच्छी लगती चने की दाल, यम्मी। चलिए मैं आराम से बैठे खाती हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। मैंने लाइट एकदम कम कर ली है, वैसे हम लोग अंधेरे में सोते हैं एकदम, मेरे को बिल्कुल लाइट पसंद नहीं है, पर मुझे अकेले में हल्का सा डर लगता है लाइट बंद करके कि थोड़ा सा लगता है। और इस टाइम जब मैं सोती हूँ तो मेरे सपने आते हैं, बहुत ही अजीब अजीब से सपने आते हैं, पर सोना ज़रूरी है और मुझे पता है मुझे बहुत अजीब सपने आने वाले हैं। चलिए बाय बाय, मैं सो रही हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, 3 घंटे बाद। राजा आ गए और मेरे को पता ही नहीं चला, और ये आए इनने बोला मैंने ना नान ऑर्डर कर दिए, नान और मक्की दाल, दाल चावल भी रखे हुए थे। मैंने बोला कि मैं खाना बनाती यार और बना भी दिए, और मैं खाना बनाती पर इनने ऑर्डर ही कर दिया। रॉयल लोड़ी तो नहीं बनाए यार, ना ठंड नहीं है इतनी यार। लोड़ी हमारे पास लकड़ियां है, हमारे पास पेपर नहीं है और पेट्रोल नहीं मिला, जब केरोसिन ऑयल मिल गया, पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल देने से मना कर दिया है, पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल देने से, बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया, क्योंकि वो सेफ नहीं, वो कुछ कुछ लोग कांड करते हैं। तो फिर कहां से लेते हैं हम जलाएंगे कैसे लकड़ी, ये तो है हमारे पास बहुत सारी, मतलब गीली हो गई होगी सोचो। अरे तुमने बनानी है, हैं आलसी बना लेते हैं ना रात को, कोई बात है क्या, ऐसे खड़े खड़े कर देते। मैं बोल रही था डांस कर लिया ठीक है, फिर डांस करते थोड़ा सा, तो मैंने बोला रहने दो यार, कौन बनाया तो इन्हें खाना ही मंगवा लिया है, और अब मैं दाल गरम कर रही हूँ। वो तो नहीं करनी मक्खी दाल गरम, देखो गरम है नहीं है, धुआं धर कर लाया, रहने दो मत। मैं से ये कह रही थी कि मैं लोड़ी वाला तैयार भी हुई और सो के उठती, देखो मेरी नेल पेंट मैच हो रही है, देखो हट कहाँ से लाई वाली कलर, वही रिलायंस, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश, मुझे रिलायंस फ्रेश। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है मकर संक्रांति और हम लोग का कुछ प्लान अभी पता नहीं है कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्योंकि पतंग उठती है इस दिन। तो मैंने सोचा कि सुबह में उठ गई हूँ, राजा भी सो रहे हैं, बोझो गूगल दोनों सो रहे हैं, मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए, तो मैं सोच रही कुछ मीठा बना लेती हूँ। हाँ तो बैटरी चली गई थी, मैं कहाँ थी, मैं थी कि गुड़ की गज्जक, तिल के लड्डू, ठीक है तिल भी पिसता है, तिल और चीनी पिसती है, और उससे खाने वाला वो भी बनता है जो चम्मच से खाते हैं, तो तिल का मैक्सिमम सामान आता है, मूंगफली, रेवड़ी
और गज्जक और बहुत सारी चीजें। तो इस बार हम लोगों ने गुड़ या तिल या किसी भी तरीके की गज्जक हम लोग नहीं लाया, क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं और वो गर्म होता है, तो इसलिए फिर मेरे को लगा कि यार उन चीज़ों को अवॉइड करना है, पर साथ साथ त्योहार ही मनाना है। तो मैं लेके आई थी ये, आप लोग को याद है राशन शॉपिंग गई थी बीच में, तो ये MTR का है गुलाब जामुन मिक्स। ये एक के साथ एक फ्री था, अभी एक और रखा हुआ है, बट फिलहाल मैं अभी एक ही बनाऊंगी। तो ये मैं बना रही हूँ फटाफट, ताकि मिठाई की जो तैयारी है कि हम बिना मुँह मीठा करे ना रहें, क्योंकि साल भर के त्यौहार होते हैं, ये एक बार आते हैं, तो आई थिंक आपको हर त्यौहार मनाना चाहिए, और हम लोगों को हर त्यौहार मनाना बहुत पसंद है। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो हमें त्योहारों से एक अलग वो है कि कुछ भी हो जाए, या कितना चाहे कितनी तबीयत खराब हो, चाहे उठा भी ना जा रहा हो, पर त्यौहार जो है वो मनाना बनता है। तो मैं ये गूंद रही हूँ और एक जगह शक्कर की चाशनी चढ़ा रही हूँ। चाशनी इसमें लिखा है 35 बनेंगे, अगर आप बहुत छोटे साइज के बनाते हैं तो बन जाएंगे 35, अपने हिसाब से जितने ही बन रहे हो उतने बना लीजिए, काउंट मत करिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फिर इतने इतने बनाएंगे तो फिर ये होगा कि वो 40 ही बन सकते हैं शायद। तो मैं जल्दी से इसे गूंद रही हूँ। ये है दूध, ये रूम टेम्परेचर का दूध है, ठंडा दूध नहीं, आपको रूम टेम्परेचर वाला दूध चाहिए। दूध नहीं तो फिर आप पानी से भी गूंद सकते हैं, पर दूध से थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो राजा के उठने से पहले पहले मुझे लगा मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ये मुझ पर चिल्लाएंगे कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, ये जब तबीयत सही नहीं रहती है तो क्यों करती रहती हो। तो बहुत ही थोड़े से दूध में ये बन जाएगा। हो गए हैं गुलाब जामुन और इसमें भी कुछ अभी फ्राई हो रहे हैं, चाशनी जो है वो हो गई है, ठंडी हो रही है। उसके बाद मैं गुलाब जामुन जो है एक बड़े से बर्तन में डालूंगी, जिससे कोई चाशनी जो है गुलाब जामुन में आ जाए। तो मीठा मैंने बना लिया है, थैंक गॉड अभी तक राजा जो है वो नहीं जगे, वरना मैं अभी मीठे की जगह कुछ और खा रही होती, जो कि है डाट। मीठा ही बन गया। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, मैंने नाश्ता सुबह 8:30 बजे के आसपास कर लिया था। मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, इसलिए मैं दोपहर में सोती हूँ और फिर रात में बहुत जल्दी सो जाती हूँ। तो शायद 11:30 बजे के बाद ब्लॉग डालने के बाद मैं बहुत सारे कॉमेंट्स रिप्लाई ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी सोने लगी। सबको अ वेरी 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 हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग क्या करने वाले हैं ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और खुश रहिए, त्योहारों को अच्छे से मनाइए, और आप सबकी सारी विशेज पूरी हों जो जो आप लोग चाहते हो। अच्छी विशेस, किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो या किसी का कुछ बुरा सोच रहे हो कि वो हो जाए, वो सब ना हो, बस जो जो अच्छी चीज़ें हैं आपकी अपनी फैमिली के लिए वो हो। और तो मेरी मानिए, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको ना मिले, हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे मिलती है, इसलिए खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, और आपकी खुशियों को मेरी खुशियों को बस नज़र ना लगे, और हम लोग खुशी खुशी रहें, और सारे इंसान जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार बांटें, मिठाइयाँ बांटिए, ठीक है, लड्डू खाइए। आज लड्डू बड़े अच्छे, मेरा बड़ा मन कर रहा है पता, वो तिल की गज्जक खाने का, तो तिल की गज्जक खाइए, और
चिक्की खाइए, मूंगफली खाइए, छत पे जाइए, बैठिए फैमिली के साथ और थोड़ा सा त्यौहार का आनंद लीजिए। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कल जो मैंने सूट पहना था वो कैसा लगा। एक्चुअली मैं ऐसे सूट पहनती नहीं हूँ, मतलब प्लाजो वाले, तो अमेज़ॉन से मंगवाया था और जितना जैसा देखा था वैसा ही आया है। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो बताइएगा। और अभी मेरे ना दो सूट और आए हैं आज, वो जो मंगवाए हैं मैंने, तो वो जो सूट है वो राजा के ऑफिस में आते हैं, मतलब उनका डिलीवरी एड्रेस जो है वो राजा का ऑफिस है, तो वो वहाँ पर आते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और खुश रहिए।